Bhavna Badonia Jeevan. Today I am going to present my two poems. The first one is the description of my pen name Jeevan. मैं अपूर्ण में संपूर्ण सी हूँ रिक्त पर परिपूर्ण सी मैं अपूर्ण में संपूर्ण सी हूँ रिक्त पर परिपूर्ण सी मैं हूँ स्वयं की व्यथा हारी मगर उत्तीर्ण सी मैं अपूर्ण में संपूर्ण सी हूँ रिक्त पर परिपूर्ण सी मैं हूँ स्वयं की व्यथा हारी मगर उत्तीर्ण सी अनवरत प्रेम का दरिया हूँ हूँ प्रेम की मगर पिपासी सी अनवरत प्रेम का दरिया हूँ हूँ प्रेम की मगर पिपासी सी मैं मुट्ठी भर फैलाती हूँ खुशियाँ फिर भी फिसलाती सी है रेखाओं का खेल कोई जिंदगी है रेखाओं का खेल कोई रेखाओं सा सीधा मगर नहीं बिखरा है विशाल समंदर सा तालों सा सिमटा कहीं कहीं बिखरा है विशाल समंदर सा तालों सा सिमटा कहीं कहीं है खिला खिला मुरझाया सा वो रूप जाल में बंधा नहीं है खिला खिला मुरझाया सा वो रूप जाल में बंधा नहीं वो छला गया तो छला गया छल मनस पटल पर टका नहीं वो छला गया है खिला खिला मुरझाया सा वो रूप जाल में बंधा नहीं वो छला गया तो छला गया छल मनस पटल पर टका नहीं अभिमान मान में अड़ा नहीं सम्मान से कुछ भी बड़ा नहीं अभिमान अभिमान मान में अड़ा नहीं सम्मान से कुछ भी बड़ा नहीं अनगढ़ अनगढ़ पर गढ़ा हुआ सुगठित अनगढ़ पर गढ़ा हुआ सुगठित बिखरा सिमटा मेरा जीवन संपन्न समामेलित जीवन अनुभूतित अनुकूलित जीवन संपन्न समामेलित जीवन अनुभूतित अनुकूलित जीवन सुरभित सुखरित मधुरित मुखरित जीवन सा विशाल मेरा जीवन जीवन सा विशाल मेरा जीवन Now my second poem is about the power. लड़कियाँ या कोई भी जब अपनी शक्तियों अपने अधिकारों का एहसास कर लेती हैं उनके प्रति जागरूक हो जाती हैं तो उनमें एक अलग ही शक्ति का संचार होता है और वो शक्ति उन्हें खुद के लिए और खुद के दम पर जीने के लिए प्रेरित करती हैं So my next poem is, अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं आगाह तुझे मैं फिर कर दूं अब राजनीति ये बंद करो आगाह तुझे मैं फिर कर दूं अब राजनीति ये बंद करो तुम गिरा सको फिर एक दफा मैं कोई सरकार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं खुद में विश्वास जगाया है अब मैं सशक्त हूँ खड़ी हुई अब नहीं मैं तेरी पायदान कदमों में तेरे पड़ी हुई खुद में विश्वास जगाया है अब मैं सशक्त हूँ खड़ी हुई अब नहीं मैं तेरी पायदान कदमों में तेरे पड़ी हुई है साहस भी मुझ में अदम्य सक्षम हूँ खुद जी पाने में है साहस भी मुझ में अदम्य सक्षम हूँ खुद जी पाने में खुद ही हुंकार भरूंगी अब तेरी झूठी जयकार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं मैं दमित दुखित अबला नारी क्यों बनी रही जन्मों से ही मैं दमित दुखित अबला नारी क्यों बनी रही जन्मों से ही मैं उड़ी नहीं चल भी न सकी बस बंधी रही रस्मों से ही मैं दमित दुखित अबला नारी क्यों बनी रही जन्मों से ही मैं उड़ी नहीं चल भी न सकी बस बंधी रही रस्मों से ही अब मैं ललकारे भरती हूँ गिरती हूँ स्वयं संभलती हूँ मैं दमित दुखित अबला नारी क्यों बनी रही जन्मों से ही मैं उड़ी नहीं चल भी न सकी बस बंधी रही रस्मों से ही अब मैं ललकारे भरती हूँ गिरती हूँ स्वयं संभलती हूँ अब मैं ललकारे भरती हूँ गिरती हूँ स्वयं संभलती हूँ दे करके कोई सहारा अब करना मुझ पर उपकार नहीं अब मैं तेरी जागीर नहीं मुझ पर तेरा अधिकार नहीं अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं मैं हूँ पतंग बिल्कुल स्वतंत्र तेरे हाथ में मेरी डोर नहीं
मैं हूँ पतंग, बिल्कुल स्वतंत्र, तेरे हाथ में मेरी डोर नहीं, तुमने ही कमतर रखा है पर मैं बिल्कुल कमजोर नहीं। मैं हूँ पतंग, बिल्कुल स्वतंत्र, तेरे हाथ में मेरी डोर नहीं, तुमने ही कमतर रखा है पर मैं बिल्कुल कमजोर नहीं। इस दुनिया के समक्ष मैं इस दुनिया के समक्ष खुद अपना पक्ष रखूंगी अब। मैं इस दुनिया के समक्ष खुद अपना पक्ष रखूंगी अब। खुद को साबित करने में तेरी गवाही की दरकार नहीं, अब मैं तेरी जागीर नहीं, मुझ पर तेरा अधिकार नहीं। अब तुमसे शासित होने को मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं, अब मैं तेरी जागीर नहीं, मुझ पर तेरा अधिकार नहीं। अब मैं तेरी जागीर नहीं, मुझ पर तेरा अधिकार नहीं। थैंक यू सो मच।